गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कार्डिनल नंबर एंड ऑर्डिनल नंबर्स। अब हम इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स सच एज 1, 2, 3 एंड ऑन। ये है हमारी काउंटिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसे जब हम ऐसे लिखते हैं तो वर्ड्स के फॉर्म में ONE, TWO, THREE, FOUR, FIVE, FIX, SIX, SEVEN, EIGHT, 8 NINE, 9 और TEN, 10। ये हैं हमारे कार्डिनल नंबर्स जो हम काउंटिंग की तरह लिखते हैं। ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स इज अ नंबर डिफाइनिंग द पोजिशन ऑफ समथिंग इन अ सीरीज सच एज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन्थ और टेंथ। कॉर्डिनल नंबर्स के पीछे जब हम ST, ND, RD, TH लगाते हैं तब यह ऑर्डिनल नंबर बन जाते हैं। जब हम इन्हें वर्ड्स की फॉर्म में लिखते हैं तब ऐसे लिखते हैं FIRST फर्स्ट, SECOND सेकेंड, THIRD थर्ड, FOURTH फोर्थ, FIFTH फिफ्थ, SIXTH सिक्स्थ, SEVENTH सेवेंथ, EIGHTH एट, NINETH नाइन्थ, TENTH टेंथ। ऑर्डिनल नंबर का यूज हम पोजीशन बताने के लिए करते हैं। जैसे हमें हमारी क्लास बतानी हो तो हम बोलते हैं मैं फर्स्ट क्लास में हूँ, मैं सेकेंड क्लास में हूँ या मैं थर्ड क्लास में हूँ। या फिर हमें हमारी पोजीशन बतानी होती है कि हम इस कंपटीशन में फर्स्ट आए हैं, सेकेंड आए हैं या थर्ड आए हैं। अब आपको ऑर्डिनल नंबर के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम इसे आपको आपकी बुक में करते हैं। आपकी बुक का पेज नंबर 35। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो रेस लगा रहे हैं। इन बच्चों में प्रिया, सुनील, मनोज, अनु, नितिन, सुमन, जानवी, रंजन और पवन। प्रिया इज फर्स्ट। प्रिया कौन सी पोजीशन पर है? फर्स्ट, पहले नंबर पे है। प्रिया इज फर्स्ट, FIRST फर्स्ट। सुनील इज सेकेंड, SECOND सेकेंड। मनोज इज थर्ड, THIRD थर्ड। अनु कौन से नंबर पर है? 1, 2, 3, 4। तो अनु इज फोर्थ, FOURTH फोर्थ। नितिन, नितिन कौन से नंबर पर है? 1, 2, 3, 4, 5। नितिन इज फिफ्थ, NITIN नितिन। IS इज FIFTH फिफ्थ। और हमने यहाँ लिखा फिफ्थ। हम ऑर्डिनल नंबर का यूज पोजीशन बताने के लिए करते हैं या फिर अपनी क्लास बताने के लिए। सुमन इज सिक्स्थ पोजीशन, जानवी इज सेवन्थ, रंजन इज एट, पवन इज नाइन्थ पोजीशन।
पेज नंबर 36। लुक एट द इंग्लिश अल्फाबेट्स, यहाँ पर आपके अल्फाबेट्स दिए गए हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, और इनके ऊपर नंबर लिखे हैं। ये कौन से नंबर हैं? ये है कार्डिनल नंबर। नीचे आपका क्वेश्चन है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स, यहाँ पे जो खाली जगह छूटी है इनको फिल करना है। द सेकेंड अल्फाबेट इज, सेकेंड अल्फाबेट इज, सेकेंड नंबर पे कौन सा अल्फाबेट है हमारा? कौन सा अल्फाबेट है हमारा सेकेंड नंबर पर? बी। द सेकेंड अल्फाबेट इज बी, तो हम यहां पर लिखेंगे बी। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ अल्फाबेट इज, फोर्थ मीन्स जहां कौन सा है? फोर्थ नंबर पर, तो यहाँ वन टू थ्री फोर, तो यहाँ फोर्थ नंबर पर कौन सा अल्फाबेट है? डी। द लास्ट अल्फाबेट इज, लास्ट मीन्स आखिरी वाला, सबसे लास्ट में कौन सा अल्फाबेट है हमारा? 26 नंबर पर जेड, द लास्ट अल्फाबेट इज जेड। द फर्स्ट अल्फाबेट इज, लास्ट है हमारा जेड और फर्स्ट कौन सा है? ए। द फर्स्ट अल्फाबेट इज ए। ई इज द अल्फाबेट, ई है जो हमारा कौन सा अल्फाबेट है? वन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ई इज द फिफ्थ, एफ आई एफ टी एच फिफ्थ अल्फाबेट, ई इज द फिफ्थ अल्फाबेट। एट अल्फाबेट इज, एट नंबर पे कौन सा अल्फाबेट है हमारा? एच, तो एट अल्फाबेट इज एच, एस आई एक्स टी एच, क्या पढ़ेंगे हम इसको? सिक्स्थ, सिक्स्थ अल्फाबेट इज, सिक्स नंबर पे कौन सा अल्फाबेट है? एफ, तो सिक्स्थ अल्फाबेट इज एफ। अगला है हमारा क्वेश्चन, लुक एट द रेस एंड फिल इन द बॉक्सेस, यहाँ पर हमको रेस रैबिट्स हैं, रैबिट की रेस हो रही है, हमें उनकी रेस को देखना है और जो है आपके बॉक्सेस इनको फील करना है। ए इज एट द पोजीशन, ए वाला जो रैबिट है वो कौन सी पोजीशन पर है? वन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ए कौन सी पोजीशन पर है हमारा? फोर्थ, एफ ओ यू आर टी एच फोर्थ। इज जस्ट बिफोर एंड इज एट द लास्ट पोजिशन, ए इज जस्ट बिफोर ई, जो ए है वो ई से पहले है, एंड इज द लास्ट पोजिशन, और इज द सेकेंड पोजिशन, सेकेंड पोजिशन पे कौन है? बी। डी इज रनिंग एट द थर्ड पोजिशन, डी जो है हमारा वो कौन सी पोजिशन पर है? थर्ड पोजिशन पर, एंड सी इज एट द फर्स्ट पोजिशन, और सी जो है वो हमारा फर्स्ट पोजिशन पर है। अब आप आपकी होमवर्क में जो क्वेश्चन करेंगे हम उनको देखते हैं। अब हम समझते हैं कुछ क्वेश्चंस जिन्हें आपको आपकी कॉपी में होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर वन, कलर द ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू नंबर्स, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं और मैंने कुछ नंबर लिखे हैं, ये फोर्थ और यहाँ पर भी है फोर्थ, यहाँ ये है ऑर्डिनल नंबर्स, आपको ये नंबर को देखना है और इन पिक्चर्स को काउंट करना है। यहाँ लिखा है फोर्थ, तो आप वन टू थ्री
और फोर्थ, आप फोर्थ नंबर वाली पिक्चर पे कलर करेंगे, आपका जो मन करे आप वो वाला कलर कर सकते हैं। इसी तरह नंबर सेकेंड, तो वन टू जो हमारी सेकेंड नंबर की लीफ है हमने उसे कलर किया, बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे। एट, आपको स्टार गिनना है, जो एट नंबर पर होगा उसे हम कलर करेंगे। फर्स्ट, फर्स्ट मीन्स एक, तो फर्स्ट नंबर पे हमारी कौन सी बॉल है, ये। और फिफ्थ, फिफ्थ नंबर पर वन टू थ्री फोर फाइव, फिफ्थ। इसी तरह थर्ड और सेवन्थ, आपको इन पिक्चर्स को काउंट करना है और जो नंबर लिखा है, जो ऑर्डिनल नंबर लिखा है, आपको उस ऑर्डर में इनको कलर करना है। नेक्स्ट ही क्वेश्चन नंबर टू, सर्कल द फिफ्थ लेटर ऑफ द वर्ड। यहाँ पर ये एक वर्ड लिखा है, आपको इस वर्ड में फिफ्थ नंबर वाले लेटर के ऊपर सर्कल बनाना है, तो आप इनको काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर और फिफ्थ। कौन सा नंबर आ रहा है हमारा फिफ्थ नंबर, ई, तो हम ई को सर्कल करेंगे। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री, अंडरलाइन द सेकेंड लेटर। अंडरलाइन मतलब आपको लाइन खींचनी है, कौन से लेटर पे लाइन खींचनी है, सेकेंड लेटर पर। अब इनमें से आप काउंट करेंगे और जो सेकेंड नंबर का लेटर है उस पर अंडरलाइन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर, राइट डाउन द फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, आपको इस वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है इसको यहाँ पर लिखना है, फर्स्ट लेटर इज, तो यहाँ आप देखेंगे कि फर्स्ट लेटर कौन सा है उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारा, राइट डाउन द पोजिशन ऑफ डिफरेंट लेटर इन द वर्ड्स। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, बी यू डबल टी ई आर एफ एल वाई, बटर फ्लाई। यहाँ पर कुछ पूछा है, पोजिशन ऑफ यू, पोजिशन ऑफ एफ, पोजिशन ऑफ बी, पोजिशन ऑफ ई, पोजिशन ऑफ वाई एंड पोजिशन ऑफ एल। आपको इनकी पोजीशंस लिखना है, एक मैं आपको करके बताती हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। पोजीशन ऑफ यू, अब यू कौन से नंबर पर है अब हम काउंट करेंगे, तो ये है हमारा नंबर वन और ये है टू, फर्स्ट और सेकेंड। कौन सी पोजीशन है इसकी, सेकेंड। हमें यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर में लिखना है, तो हम यहाँ लिखेंगे एस ई सी ओ एन डी, सेकेंड पोजिशन ऑफ यू, सेकेंड। कौन सी पोजिशन पर है यू, सेकेंड। इसी तरह आप एफ बी ई वाई और एल, इन सभी की पोजिशन को इसमें देखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। ये आपको होमवर्क आपकी कॉपी में सुंदर राइटिंग में करना है। थैंक यू।